हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेमेडीज रेसिपीज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी पापड़, वो भी बचे हुए चावल से या भात से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिया है रात का बचा हुआ चावल। आप ताज़ा बना हुआ चावल भी यूज़ कर सकते हैं पापड़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इस चावल को मिक्सी में पीस लेना है। और चावल को हमने मिक्सी में पीस लिया है और पीसते समय पानी का उपयोग करना है, जिससे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। और पापड़ को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप सूखी साबुत लाल मिर्च भी कूट करके डाल सकते हैं। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये घोल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो मैं आ गई हूँ धूप में छत पर और मैंने यहाँ पे पॉलीथीन सेट बिछाया है और यहाँ पर मैंने एक चम्मच घोल लिया है और घोल को हमें इस तरह से फैला देना है, बिल्कुल पापड़ के शेप में। और इसी तरह से हम सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे पापड़ हमने बना लिए हैं और ये पापड़ तेज़ धूप में एक ही दिन में सूख करके तैयार हो जाते हैं। तो पापड़ हमारे सूख करके तैयार हो गए हैं। तो देखिए ये पापड़ कितने पतले और पारदर्शी बने हैं। और ये पापड़ अभी दिखने में जिस साइज़ के लग रहे हैं, तलने के बाद ये जस्ट डबल यानी दो गुना साइज़ का हो जाता है। तो अब चलते हैं इसे तलने की प्रोसेस की ओर। ऑयल हमने पहले से ही गरम करने के लिए कढ़ाई में डाल करके गैस पर चढ़ा दिया है। तो ऑयल हमारा जो है गरम हो गया है और अब हम अपने पापड़ डाल देते हैं और इसे तल लेते हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे से दोगुने साइज़ के बन करके तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितना पतला और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला पापड़ जो है बना है। तो ये पापड़ हम साइड में रख लेते हैं और थोड़े से पापड़ हम और तल लेते हैं। दोस्तों, बचे हुए चावल से पापड़ बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से बचे हुए चावल या भात के पापड़ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।